की रक्षा करो। रुको, बचाओ, कोई रक्षा करो, ये दुष्ट लोग मार देंगे मुझे और मेरे बच्चे को। क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने तुम्हारा? बचाओ, कोई तो रक्षा करो। तेरा बेटा इस महामारी की जड़ है, यदि इस जड़ को ही काट दिया तो यह वृक्ष फल फूल नहीं पाएगा। मारो इसे। ऐसे पुरुष तुम सब एक अबला स्त्री पर अत्याचार कर रहे हो, एक नन्हे बालक के प्राण हरना चाहते हो। इसके कारण पूरा गांव विपदा में है। अगर गांव को संकट मुक्त करना है तो इनको मरना ही होगा। ये मेरी शरण में है और शरणार्थी की रक्षा करना मेरा धर्म है। ऋषि कुमार, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। उचित तो यही होगा कि तुम हमारे मार्ग से हट जाओ। देख क्या रहे हो, मारो इसको। और ये लोग आपका पीछा क्यों कर रहे थे? मेरे बच्चे को कोई असाधारण रोग हो गया है जिसके कारण गांव वाले मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। सुना है इसका उपचार मातृ ऋषि जमदग्नि के पुत्र सुषेण ही कर सकते हैं, इसीलिए मैं छिपते हुए वहां जा रही थी, लेकिन मेरा बच्चा रो पड़ा और ये जान गए और ये हमारे पीछे पड़ गए। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऋषि कुमार, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपका भला करे। मुझे आपकी अवस्था देखकर नहीं लगता कि आप आश्रम तक पैदल चल के जा सकती हैं। एक कार्य कीजिए, अब तुरंत बैठिए। मुझे घोड़े से बहुत डर लगता है, मैं धीरे धीरे चल लूंगी। मैं सामान और बच्चे को मुझे दीजिए। हाँ। ऋषि कुमार, बच्चा रो रहा है, फरसा लग जाएगा, आप फरसा मुझे दे दीजिए, मैं लेके चलूंगी। फरसे की धार बहुत तेज है, आप चोटी हो सकती हैं। अरे मेरी पोटली गिर गई, मैं उठा लेती हूँ। आप कसूर कीजिए। हाँ।
लीजिए, आ गया जमदग्नि जी का आश्रम। कहाँ चली गई आप? जमदग्नि ऋषि का आश्रम आ गया है। जिस शस्त्र ने तुम्हारी देह भंग की है, तुम उस शस्त्र को चुरा कर ले आओ तो कदाचित हम तुम्हारी देह को पुनः एक कर सकते हैं। तब तुम और भी अधिक शक्तिशाली होकर अपनी साधना पूरी कर सकोगे। नक्षत्रों की स्थिति के बदलने से पहले अपनी सिद्धि पूरी करने का प्रयास करो, अन्यथा तुम्हें डामर शक्ति ही मार देगी। ये साधना कोई खेल नहीं है। नहीं गुरुदेव, दामोर शक्ति द्वारा मैं अपनी मृत्यु नहीं होने दूंगा। मैं अपनी अधूरी साधना पूर्ण करूंगा और उसके पश्चात उस दुष्ट राम से अपना प्रतिशोध लूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? ये देखिए, मैं उस दुष्ट राम से उसका फरसा चुरा लाया। गुरुदेव आप फिर तुम तो यहां छुपे हुए सुरक्षित हो। ऋषिवर, ऋषिवर मेरा नाम हरिया है, मैं पास के गांव में रहता हूं। आपके पुत्र ने मेरी गाय चुरा ली है। मेरे पुत्र ने? अवश्य आपको भ्रम हुआ है। ऋषिवर मैं सत्य कह रहा हूं, आपके पुत्र राम ने ही मेरी दुधारू गाय चुराई है। ये क्या कह रहे हो आप? भला राम क्यों चुराएगा आपकी गाय? यदि आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं चल के मेरे साथ देख सकते हैं। आइए आइए, इधर आइए, ये देखिए, ये रही मेरी गाय। राम के पास ये गाय? ये कहां से आई? आएगी कहां से, चुराई है राम ने। राम किसी की गाय नहीं चुरा सकता, मैं अपने भाई को भली भांति जानता हूं। प्रणाम पिताजी, चोरी मैंने नहीं की है, ये तो अपने आप यहाँ पर आई। अपने आप कैसे आई है यहाँ पे? तुम ही चुरा के लाए हो मेरी गाय को। माना कि गाय तुम्हारी है हरिया, परंतु इनके यहाँ आने का कोई तो कारण होगा। अब वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस मेरी गाय दे दो। हाँ तो मैंने कब मना किया, ले लो। यदि ये तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं, तो ले जाओ। मेरी गाय है, मेरे साथ क्यों नहीं जाएगी? हरिया गाय बहुत ही समझदार पशु होती है, इन्हें किसके साथ रहना है इसका निर्णय इन्हें करने दो। कजरी चलो आओ इधर।
कजरी। रिया बस रुक जाओ, मैं बताता हूं पिताजी की सत्य क्या है। जब गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया तो हरिया ने इनका सत्कार करना बंद कर दिया, इनका भोजन पानी बंद कर दिया, फिर इन्हें ले जाकर वन में छोड़ दिया। हरिया, तुमने गौ माता को अनाथ की भांति वन में छोड़ दिया? हाँ तो क्या हुआ, गाय मेरी है, मैं उसके साथ जो चाहे करूं। हरिया, गाय मात्र पशु नहीं होती है, गाय अपने स्वामी उनके परिवार वालों को दूध देती है और गाय का दूध अमृत के समान होता है। किसी हिंसक पशु का हार बनने के पहले मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने इन्हें मरणासन्न अवस्था में देखा, फिर मैंने इनके भोजन पानी का प्रबंध किया, मैंने एक चरवाहे को इनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया और मैंने उससे कहा जब ये स्वस्थ हो जाएं तो इन्हें जाने दे, ये जहां से आई हैं वहां चली जाएंगी, परंतु ये गई नहीं, अपने आप यहां चली है। हरिया, गाय अपने जीवन काल में जितनी सेवा अपने स्वामी और उसके परिवार की करती है, हम पूरा जीवन लगा के भी उसकी सेवा करें ना, फिर भी उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। क्या माँ का ऋण कोई पुत्र चुका सकता है? मुझसे भूल हो गई ऋषिवर, कजरी मुझे क्षमा कर दो, अब तुम सुख से यहीं रहो, मैं चलता हूं। हरिया, गौ माता संवेदनाओं को समझती है। गौ माता, हरिया ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, आप उसे क्षमा करें और अपने धाम को पधारें। हरिया, गाय माँ का रूप होती है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ मनुष्य को एक अनमोल वरदान है गौ माता। कुछ लोग गाय का दूध निकाल कर उसे वन में भटकने के लिए छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। हम गौ माता को नमन करते हैं। गुरुदेव कहाँ हैं आप? मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बिना। गुरुदेव, गुरुदेव आप कहाँ रह गए? मैं उस दुष्ट राम का फरसा चुरा लाया था, समय रहते आप पाते तो मेरा ये शीश घर से जुड़ जाता अभी तक। समय फिर आएगा डरनाथ, उस राम के पीछे निश्चित कोई दिव्य शक्ति है। क्या देख लिया आपने गुरुदेव जो इतना प्रसन्न हो रहे हैं? कुंडली में नाग, सहस्त्र फन वाला नाग। कौन सा नाग, कैसा नाग? वो तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है, अब हमें चैन से बैठ के प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा?
मैं पाप हूं। इच्छा ना होते हुए भी सभी मुझे अपनाते हैं। मैंने आपको भी अपने प्रभाव में लेने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु पाया कि आप तो निष्पाप हैं, मन कर्म और आत्मा से पूर्ण शुद्ध हैं। परंतु आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? भृगुकुल शिरोमणि राम, एक निर्मल मन वाला ही मेरी सहायता कर सकता है। आप निर्मल मना है, मैं बड़ी आशा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, मेरी सहायता करें। किंतु मैं आपकी सहायता क्या कर सकता हूँ? मेरी सहायता करने से पहले आपको मेरी कथा जाननी होगी। बालक, पुष्प तोड़ रहे थे? यूं पुष्प को तोड़ते नहीं है। हमसे भूल हो गई ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। देखो हमारे बगिया में चारों तरफ कितने तरह के सुगंधित पुष्प खिले हुए, अलग अलग रंगों के हैं। इन सब पुष्पों में अलग अलग सुगंध भी आती है। देखो कितने मनमोहक हैं, है ना? ये ईश्वर का अनुपम उपहार है हमारे लिए। और ये सब उगते कहाँ है? इसी एक धरती पर, है ना? इसलिए हमें इसे यूं नष्ट नहीं करना चाहिए। ये उपहार है ईश्वर का, है ना? हमें क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये धरती माँ कैसे उपहार देती है, है? कैसे हमारे अनेक रोगों का उपचार करती है, हमारे लिए और प्राणियों का पेट भरती है, हा? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, आओ मेरे साथ आओ। बच्चों अब ध्यान से सुनो, ये तुलसी है, ये शुद्ध और पवित्र होती है। शुद्ध होने के साथ साथ कई प्रकार से उपयोगी भी है। इनसे हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु प्राप्त होती है, समझे? और ये है गुड़हल, ये भी कई प्रकार से उपयोग में आता है, अपच, कब्ज और कई प्रकार के ज्वर को भी ठीक करता है। और ये देखिए, ये है गेंदे का फूल, ये भी कई प्रकार से उपयोग में आता है। सुबह इसको खाने से हमारे नेत्रों की ज्योति तेज होती है, हाँ समझे? तो इस प्रकार से इतनी सारी औषधियां हैं ये धरती माँ हमें देती है। कई प्रकार की औषधियां इनसे बनती हैं, जो हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी भी हैं।